हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेजिशियन शो में। इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, जी हाँ सही सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सामने जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर मैं स्क्वायर फाइंड करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इसके पीछे क्या ट्रिक है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से मैंने इन सारे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड किया। अब वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जिसका यूज़ करके मैंने इन सभी नंबर का स्क्वायर फाइंड किया है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये नंबर 50 से कितना कम है। तो 50 से ये नंबर कितना कम है? 1 कम है, ठीक है। तो 50 से 1 कम है, 50 से 1 कम है, इसलिए 1 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो हम लोग लिख देंगे 0 1। उसके बाद देखेंगे कि ये नंबर 1 कम है 50 से, इसीलिए 25 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 24। तो फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे 24, तो यही हमारा स्क्वायर हो जाएगा नंबर का। फिर दूसरा देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे कि देखेंगे ये नंबर 50 से कितना कम है। तो ये नंबर 50 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 16 आएगा, ठीक है, 16 यहाँ लिख देंगे। और 25 में से 4 घटाएंगे, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 आएगा, तो ये 21 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह देखेंगे कि ये नंबर 50 से कितना कम है, 50 से 9 कम है ये नंबर, तो 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 25 में से 9 घटा देना है, ये जितना 50 से कम है उतना ही 25 में से घटाना होता है, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा, तो ये हो गया। अब ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर निकालिए, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 04 लिख दिया। उसके बाद 25 में 2 क्या करना है, ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि ये 50 से 2 ज़्यादा है, तो 27, तो ये आ गया। उसी तरह ये नंबर 5 ज़्यादा है 50 से, तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 25, और उसके बाद 25 में 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 30, यहाँ लिख देंगे 30। ये नंबर 50 से 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 64, और 25 में कितना जोड़ना है, 8, क्योंकि 8 ज़्यादा है, तो 33, तो ये हो गया 3364। इस तरह से हम इन सभी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ उस नंबर के लिए यूज़ होगा जो 50 के आसपास है, यानी 40 to 60, ऐसा नंबर जो 50 के आसपास होगा उसके लिए ये ट्रिक यूज़ करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 50 से कम होगा तो जितना कम होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 50 से कम है 1, 1 का स्क्वायर निकालें, 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसी तरह उसके बाद 25 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 कम है इसलिए 1 घटा देंगे, तो 24 0 1। उसी तरह अगर 50 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर निकाला, 4, और 25 में 2 ऐड कर देना है क्योंकि 2 ज़्यादा है, तो 25 और 2 7, 27 0 4। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं जो कि 50 के आसपास है, नज़दीक है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।